गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी यहाँ बज रहा है सुबह का 5:30 और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं थोड़ा आधा घंटा लेट उठने लगी हूँ। और सभी लोग बोलते भी हैं, हस्बैंड भी कहते हैं जल्दी उठ जाते हो, मम्मी भी कहती है थोड़ा लेट उठा करो। तो अभी मैं यहाँ पर उठ गई हूँ और अभी मम्मी पापा और सब लोग लेटे हुए, राज और हस्बैंड तो देर से ही उठते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लगा लेती हूँ झाड़ू। और आज मुझको आटा भी थोड़ा, कल मैंने जो गेहूँ पिसवाए थे तो वो रखा हुआ है बोरी में, तो वो भी भरना था। तो यहाँ मैं पहले थोड़ा साफ़ सफाई करती हूँ झाड़ू लगाने के बाद, फिर उसके बाद ही भरूँगी उसको। तो यहाँ पहले मैं पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, तो पीने के लिए भी रहता है पानी। और ब्रश करते हैं तो गर्म पानी, थोड़ा अभी इतना ठंडा ठंडक पड़ रही है तो गर्म पानी से ही ब्रश व्रश मुँह धुलते। और पीने का पानी मैं इसमें भर लूँगी, जो बाल्टी है इसमें खाने वाली बाल्टी, इसमें पीने का पानी रहता है। तो यहाँ पर पीने का पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया और थोड़ा सा दो भगोने में चढ़ाया इसीलिए, ब्रश व्रश करने के लिए भी, तो उससे ब्रश कर लूँगी। और यहाँ पर झाड़ू थोड़ी सी रह गई थी और बाल्टी में माँज के फिर पीने वाला पानी भर लूँगी इसी में। तो तब तक लगा लेती हूँ झाड़ू यहाँ पर। और सुबह इतनी ठंड रहती है तो उठने का मन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी पानी की वजह से उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर पानी चला जाता है, फिर दिन में पानी आता नहीं है, तो थोड़ा हम लोग को यहाँ परेशानी हो जाती है। और पानी सुबह ही आता है तो इसीलिए हम लोग को जल्दी उठना भी रहता है यहाँ पर। और अब भर लूँगी यहाँ मैं गेहूँ। तो यहाँ मेरा मैंने बाकी सारा काम कर लिया, सब जगह झाड़ू लगा लिए और पानी भी भर लिया है पीने वाला। तो अब मैं भर लेती हूँ यहाँ आटा जो मैंने पिसवाया था गेहूँ। तो दो टंकियाँ रखी है, दोनों में भर लूँगी। तो ज़्यादा नहीं है आटा, 10-12 किलो ही है, तो उसको मैं टंकी में दोनों में डाल दूँगी और जल्दी पिसवा लेती हूँ। अभी क्या था कि गेहूँ भी नहीं धुले हुए थे, इतना ही गेहूँ धुला हुआ था तो वो मैंने पिसवाने के लिए भेज दिया था। और धूप भी नहीं निकल रही है, तो जब धूप निकलेगी तो फिर मैं आगे वाले बाकी गेहूँ धुलूँगी, तब तक इससे काम चलता रहेगा। तो मैंने थोड़ा ही पिसवा लिया था अभी, तो मैं दोनों टंकियों में थोड़ा थोड़ा भर के रख दूँगी। एक में भरो फिर उसको दबा के भरना पड़ता है, तो मैं दोनों में आधा आधा करके दोनों में डाल दूँगी। तो आसानी से इसलिए मैंने बोरी उठा के डाल दी, जब ज़्यादा रहता है तो कटोरे से किसी से भरना पड़ता है। और इसको भर दूँगी तो जो आटा फैलता है वो भी साफ़ हो जाता है और कपड़ों में थोड़ा बहुत लग जाता है तो नहाने से पहले भरने से तो वो भी साफ़ हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही आटा भर ली हूँ यहाँ पर, टंकी में भर के रख दूँगी। और इसको बोरी को अच्छे से झाड़ देती हूँ तो उसमें जो भी आटा रहता है तो अंदर सब चला जाता है, तो फैलता नहीं चारों तरफ, कम ही फैलता है। तो अच्छे से मैं उसी में टंकी में इसको झाड़ देती हूँ इसीलिए। और मैं टंकी वहीं पर रख लगा देती हूँ और दोनों के ढक्कन है वो अच्छे से धुल के साफ़ करके उनमें लगा देती हूँ। और अब यहाँ बना लेती हूँ मैं चाय, क्योंकि मम्मी भी उठ गई हैं और वो मेथी बना रही थी। मेथी को छाटना रहता है, उसमें बीन के फिर पत्तियाँ तोड़ के और उसको फिर काटेंगी वो। तो तब तक यहाँ मैं बना लेती हूँ चाय। और जब से ठंड, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है मेरी और ठंडी भी पड़ गई है ज़्यादा, कहीं बारिश कहीं कोहरा कुछ ना कुछ, तो तब से मैं भी चाय पी लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में पहले। तो गला थोड़ा सा कफ रहता है, खराश रहती, खांसी भी थोड़ा आती है, तो अदरक वाली चाय पी लो तो थोड़ा सा गला भी ठीक हो जाता है और आराम भी मिलता है। और अभी भी मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि गला भारी हो रहा है काफ़ी और खांसी भी है, तो अभी भी अच्छे से आराम नहीं मिला है। लेकिन हाँ, पहले से तबीयत ठीक हो गई। और 2-3 दिन तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बना पाया था, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर भी था। तो अब थोड़ा सा मुझे आराम मिला तो मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग बनाना। और यहाँ पर बन गई मेरी चाय, तो मैं दे देती हूँ जाके मम्मी को, तो मेथी बना रही थी अंदर बैठ के और मुझे बार बार खांसी आ रही है। और पापा यहाँ एक तरफ लेटे हुए सो रहे हैं और मम्मी को मैं दे दी चाय। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है दोपहर का 1 बज गया और खाना वाना हो गया मेरे यहाँ। हस्बैंड बिस्तर में रजाई में अभी बैठे हुए हैं
और नीचे मम्मी पापा बैठे हुए। क्या करें भाई, कहाँ जाए, इतनी सर्दी बहुत है। हाँ सही बात है, क्योंकि आप सभी लोग रजाई में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित ठंड की वजह से रहें। किसी का निकलने का मन भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा। खाना हो गया, बस खाना खाने को, इतनी ठंड हो रही। अब मैं जा रही हूँ आग जलाने के लिए, थोड़ा सा आग जला दूँ तो नीचे पापा को दे दूंगी, तो थोड़ा सा उनको भी आराम मिलेगा। बोल भी रहे थे कि आग जला लो, तो आइए देखते हैं, आग जलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बाहर वैसे ही मौसम अभी बना हुआ है और कपड़े मेरे यहीं फैले हुए हैं, छत पर जाने का मन भी नहीं हो रहा है, और छत में मैं रख के आई हूँ अपने कपड़े। तो चलिए बैठ के जला लेते हैं आग। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं जला लेती हूँ आग, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कोयला रख लिया है। इसमें तो ये लोहे का है जिसमें हवन वाला होता है, तो उसी में अच्छे से जल जाता है, उसी में मैं रख लेती हूँ यहाँ पर कोयला। और उस पर कागज लगा दूंगी ऊपर से, और उसमें लगा दूंगी आग। तो कागज जब पकड़ लेगा तो कोयला अच्छे से फिर जलने लगता है, और ठंड की वजह से तो बुरा हाल ही है। तो बस ये लग रहा है कैसे भी आग पकड़ ले और आग जलने लगे। तो यहाँ इसीलिए मैंने ये पॉलीथीन जिसमें कोयला पड़ा था, पुराना था ये पिछले साल का रखा हुआ, तो वो मैंने उसमें डाल दिया। और पॉलीथीन यही रख ली कि उसके ऊपर से थोड़ा सा अगर लगा दूंगी, और यहाँ पर जला हुआ ऑयल रखा है तो वो मैंने डाला है, तो इसलिए थोड़ा सा आग पेपर ने पकड़ ली है और थोड़ा थोड़ा आग जलने लगी है। और ऐसी ठंड में तो थोड़ा आग देख के ही इतना राहत मिलती है कि हाँ बस सब आग जल जाएगी, और तापने से हीट बस ठंड छूट रही है। बिस्तर में बैठो भी तो भी हाथ पैर इतना ठंडे हो रहे हैं कि पता ही नहीं चलता, घंटों बैठे हो रहे तब भी हाथ पैर नहीं गर्म होते, और थोड़ा सा आग सेकने में आराम मिलता है। तो यहाँ मैं इसीलिए जब वो अच्छे से आग पकड़ लेगी तो फिर मैं इसको ले जा कर रख दूँगी नीचे। अभी तो काफ़ी सारा धुआं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बालकनी की खिड़की खोल रखी है यहाँ पर, तो उसका धुआं निकल जाएगा और अच्छे से आग जल जाएगी। तो अब देखिए धुआं होना भी कम हो गया, और वो जो पॉलीथीन मैंने रखी इसमें उसने भी आग पकड़ ली है। और पॉलीथीन से अच्छे से जल जाती है आग, और जो कोयला होता है वो अच्छे से सुलगने लगता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था आग देख के, इतना मतलब मुझको। तो फ्रेंड्स देखिए छत पर कैसे मौसम बना हुआ है, और कहीं भी धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है, और कल तो इतनी बारिश हुई है। आज मैंने कपड़े फैला दिए, देखिए सूखते हैं कि नहीं, कहाँ तक नाना धोना। अभी बीच में तबीयत खराब हो गई तो बंद ही था 2-3 दिन नाना धोना, और कल बारिश भी काफ़ी तेज होती रही है, और अभी भी धुआं धुआं का चारों तरफ कोहरा है, बादल है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, और उजाला भी नहीं, बस अंधेरा ही चारों तरफ से दिख रहा है, और बहुत ही गड़बड़ माहौल बना हुआ है। नीचे नीचे गीला भी है, और ऐसे लग रहा है कुछ टपक रहा है, पानी जैसा टपक रहा है ऊपर। देखिए इतना मतलब यहाँ पर ऐसे माहौल बना हुआ है, बिल्कुल धूप निकलने का नाम नहीं ले रही, और तो परेशान हो गए, कहीं बारिश, कहीं कोहरा, कहीं बादल, धूप ना निकलती ही नहीं, और ठंड की वजह से बुरा हाल है। और बस अब तो एक ही सारा रह गया है कि आग जला लो, तो आग जला के थोड़ा तापने में आराम मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ आग जला रखी। और देखिए हस्बैंड भी निकल के आ गए आग देख के यहाँ, और अभी अच्छे से ये सुलग जाएंगे तो फिर इनको लेके जाऊंगी नीचे पापा के पास। तो इतना बुरा हाल, मैं छत पर भी ले गई थी आपको इसलिए दिखाने, कैसा एकदम से कहीं धूप का नाम ही नहीं। कल तो थोड़ी देर के लिए फिर भी निकल आई, एक मतलब जनवरी जब से स्टार्ट हुई ऐसा ही बना हुआ, एक दिन कहीं धूप निकली बीच में वो 14 जनवरी को, उसके बाद से एक भी दिन धूप यहाँ नहीं निकली, ऐसे ही माहौल बना हुआ।